तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IDBI बैंक के स्टॉक के बारे में। IDBI बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इसी वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.62% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर अब यहाँ से स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से भी और यह सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 86 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 76, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 66 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 93 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 98, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 110 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक है 120 और 130 140 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स वाला नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।